हाँ तो गाइस नॉइस की तरफ से फिर से उनका एक और नया स्मार्ट वॉच लॉन्च होने वाला है जिसका नाम होगा नॉइस HRX स्प्रिंट। मैं आपको बताऊंगा नॉइस एक ऐसा ब्रांड है जो कि HRX ब्रांड के साथ में कोलैब करके नई नई स्मार्ट वॉच बनाता है। तो HRX ब्रांड के साथ में काफ़ी टाइम से वॉच नहीं आ रही थी, तो HRX एंड नॉइस के कोलेब्रेशन में उनका एक और नया स्मार्ट वॉच आ रहा है जिसका नाम है HRX स्प्रिंट, जो कि आपको एक स्पोर्टी लुक में देखने मिलेगी। बहुत सारे लोगों का कमेंट आते हैं मुझे कि यार हमको एक स्पोर्टी लुक वाला जो स्मार्ट वॉच है वो चाहिए, जैसे कि आप मेरे हाथ में के पा रहे हो। अभी ये जो मेरे हाथ में है वो एमरेन का वॉइस ग्लेज स्मार्ट वॉच है, लेकिन मैंने ये स्ट्रिप वगैरह चेंज कर रखे हैं ताकि थोड़ा स्पोर्टी लुक लगे, बहुत सारे लोगों को पसंद आता है। तो भाई ये जो नया नॉइस का स्मार्ट वॉच आने वाला है ना, बिल्कुल एक स्पोर्टी लुक में आपको मिलेगा और यहाँ पर मल्टीपल कलर चॉइस मिलेंगे जिसमें कि आप जो भी चूज करना चाहते हो चूज कर सकते हो। जैसे कि रेड एंड ब्लैक का कॉम्बो मिलेगा, ग्रे एंड ब्लैक का कॉम्बो मिलेगा, ऐसे कॉम्बिनेशन आपको देखने मिलेगी कलर्स में। बाकी भाई देखो लॉन्च डेट एंड प्राइस के बारे में अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, लेकिन वीडियो के एंड तक मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा कि कितना प्राइस आ सकता है। पहले बात कर लेते हैं इसके फीचर्स की, हमको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो डिजाइन मैंने आपको बता दी, रेक्टेंगल शेप में डिजाइन है, एक स्पोर्टी लुक आपको मिलेगा, बिल्कुल क्राउन बटन वगैरह आपको देखने मिल जाएगा। और ब्रांड का कहना है कि भाई यहां पर आपको मेटलिक बिल्ड देखने मिलेगा जिससे कि जो मजबूती है वो काफी बढ़िया आपको मिल जाएगी। उसी के साथ में अगर मैं डिस्प्ले की बात करता हूं तो भाई यहां पर आपको मिलेगा 1.91 इंचेस का एक बड़ा डिस्प्ले जो कि एक बेजललेस डिस्प्ले होने वाला है। नॉइस का कहना है कि बिल्कुल बेजल आपको यहां पर नहीं मिलेंगे और एक बड़ा डिस्प्ले मिलेगा 1.91 इंचेस, एक बड़ा साइज आपको देखने मिल जाएगा। पिक्सल रेजोल्यूशन, पीपीआई रेटिंग और उसके बारे में भी कुछ कंफर्म नहीं है, जैसे ही सारा कुछ अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा। अभी ओनली वो साइज कंफर्म हुआ है कि 1.91 इंचेस का साइज है और मल्टीपल वॉच फेसेस मिल जाएंगे, 150 से ऊपर आपको वॉच फेसेस मिलेंगे। जो आप चेंज करना चाहो वो आप यहां पर चेंज कर सकते हो, खुद का फोटो लगाना हो वो भी आप इसमें लगा सकते हो। हेल्थ फीचर्स में आपको सारा कुछ मिल जाएगा, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्लीप रेट मॉनिटरिंग, ब्रीथ मोड डिस्प्यूट हो गया, सब कुछ आपको देखने मिलेगा। और 100 से ज्यादा आपको मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड मिल जाएंगे, जो भी आप इसमें यूज करना चाहो वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो बढ़िया स्पोर्ट्स मोड है, कोई भी दिक्कत आपको देखने नहीं मिलेगी। अब आती है मेन बात इसके स्मार्ट फीचर्स, ये जो वॉच होगा वो आपको ब्लूटूथ कॉलिंग वाले फीचर के साथ में मिलेगा जिससे कि आप इसमें कॉल वगैरह पर भी बात कर सकते हो, तो ये चीज एक अच्छी चीज आपको मिल जाएगी। रिसेंट कॉल डायलिंग पैड सारा कुछ आपको मिल जाएगा, बिल्ट इन स्पीकर एंड माइक मिलेगा जिससे कि सॉन्ग वगैरह भी सुन सकते हो। और उसी के साथ में भाई यहां पर आपको वेदर का इन्फॉर्मेशन, रिमाइंडर वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा। नॉइस का स्मार्ट वॉच है तो क्विक रिप्ले का मोड भी आपको मिलेगा। एंड उसके साथ में एक काफी अच्छी चीज यहां पर मिल रही है, आपने देखा होगा टेक के जो स्मार्ट वॉच लॉन्च होते हैं उनमें आप QR कोड सेट कर सकते हैं अपने कोई भी पेमेंट सिस्टम का, तो वो आपकी बार नॉइस में भी आपको मिलेगा। इस नई स्मार्ट वॉच में आप अपना कोई भी QR सेट करके रख सकते हैं, अगर आपको पेमेंट वगैरह लेना है तो आप उस QR पे पेमेंट ले सकते हैं, तो ये एक नई चीज आपको इसमें मिल जाएगी। बाकी प्रोटेक्शन के बारे में अभी कुछ कंफर्म नहीं है, जैसे ही अपडेट होगा मैं आपको जरूर से अपडेट कर दूंगा। एंड बात करता हूं अगर इसके बैटरी बैकअप की, तो भाई ब्रांड की तरफ से 7 दिन का बैटरी बैकअप दिया गया है जो कि डिपेंड करेगा आपके यूजर्स पर कि आप उसको किस तरीके से यूज कर रहे हो। बाकी हार्डली यूजर्स पर 2 से लेकर 3 दिन का बैकअप आपको मिल जाएगा, कूलिंग वॉच में आपको इतना ही बैकअप देखने मिलता है। तो भाई देखो सारे फीचर्स मैं आपको बता चुका हूं, एक अच्छा वॉच है, फीचर्स वगैरह डिजाइन वगैरह काफी तगड़ी आई है। अब अगर मैं इसके प्राइस की बात करता हूं तो भाई प्राइस 2500 के नजदीक इसका प्राइस रह सकता है, क्योंकि देखो एक अच्छा डिजाइन है, उसके साथ में बिल्ड भी अच्छा है, ऊपर से डिस्प्ले भी काफी बड़ी है। 2500 के नजदीक आप इसका प्राइस मान के चलिए, बाकी जैसे ही अपडेट होता है मैं आपको अपडेट करूंगा। और अराउंड 30 तारीख के समथिंग ये लॉन्च हो जाएगा, इसी महीने के 30-31 तक ये अवेलेबल हो जाएगा, बाकी देखते हैं जैसे ही फाइनल अपडेट आता है मैं आपको अपडेट करूंगा। बाकी स्टूडियो बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।